ठीक है, मैं बहुत से अभी सुनाई दे रहे हैं आप लोग को सब, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। राइट? अभी मेरा स्लाइड आप लोग देखिए, विजिबल हो रहा है कि नहीं? हो यस सर, विजिबल। रहा है तो ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पावर टेनिस का पहला चैप्टर था जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। द फर्स्ट चैप्टर बिलोंग टू पावर स्विचिंग डिवाइसेस, एंड इसी से हम लोग क्या करते हैं, पहला डिवाइस को अभी लोग हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जो है डायोड। ठीक है, तो डायोड का हमारा क्या है स्ट्रक्चर, अभी हम लोग को पढ़ना है कि डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है एंड उसका वर्किंग पुल कैसा होता है एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, किस कंडीशन में ये एक्टिव होता है, किस कंडीशन में डीएक्टिव होता है। ये हमारा एक चैप्टर को एक टॉपिक है, राइट? तो डायोड का बात जब दिमाग में आता है तभी हम लोग याद करते हैं कि पीएन जंक्शन को याद करते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का क्या होता है? पीएन जंक्शन इसी टाइप का एक मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। पीएन जंक्शन क्या होता है, एक डायोड होता है, टू टर्मिनल डिवाइस होता है ये, ठीक है? तो टू टर्मिनल डिवाइस मतलब यहाँ पर आपका पी टाइप मटेरियल, और टू टर्मिनल डिवाइस मतलब एक है पी मटेरियल और एक है एन मटेरियल, ये दोनों को कंबाइन करके हमारा डायोड बनता है। ठीक है, एंड पी टाइप मटेरियल ये सब क्या मटेरियल है, पी टाइप और ये एन टाइप मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल, राइट? अगर ये मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिला के पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल दोनों को मिला के मैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन करता हूँ। अगर मैं पीएन जंक्शन इसी को दोनों को मिला के फॉर्मेशन करता हूँ तो ये पी टाइप मटेरियल कंटेंट क्या करता है, हाईली डोप्ड टू इट। कौन एक और एक ज्वाइन करना चाहता है, राइट? इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार बार मत आए, एक बार में आ जाइए। कौन आए अभी? संजय यस सर, आप कहाँ है, इतना लेट में ज्वाइन कर रहे हैं? आपका क्लास भैया को सर स्टेशन गया था भैया को पिकअप करने। तो टाइम में आइए, ठीक है? क्योंकि क्लास में इंटरप्ट मुझे मतलब मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, फिर इंटरप्ट करके आपको इन करना पड़ता है, राइट? यू आर टाइम पे आइए। ओके, मेरा स्लाइड अभी आप लोग को सबको विजिबल हो रहा है तो, हाँ सर, राइट? मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा था कि पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल को दोनों को हम लोग मिला के, सिलिकॉन मटेरियल को हम लोग मिला के क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, राइट? तो पी टाइप मटेरियल क्या होता है, वो हाईली डोप्ड विथ होल्स, बट एन टाइप मटेरियल क्या होता है, हाईली डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड उसका लुकिंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, द मेन फंक्शन ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड इट फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो टोटली वन डायरेक्शन अक्रॉस, मीन्स करेंट आपका फ्लो करेगा एक ही डायरेक्शन में, पी से एन तक। पी मतलब वो पॉजिटिव साइड है एनोड, एंड कैथोड की साइड नेगेटिव है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करेंट डायरेक्शन रहे। अब ये पॉजिटिव के डायरेक्शन करेंट डायरेक्शन रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज, जब भी वो रिवर्स करेगा तो उसको बोलते हैं, मतलब जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स वाइज, बिकॉज अगर करंट हम लोग नेगेटिव में करंट फ्लो करते हैं, ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो करंट फ्लो इस साइड से एनोड से कैथोड तक रहेगा, मतलब एनोड साइड अगर मैं पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ तो करंट फ्लो एनोड से कैथोड रहता है, अगर मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव बायस, वो भी मैं आप लोग को अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही बोलते हैं, डायोड के अक्रॉस डायोड एक रहता है ऐसा ट्रायंगल के टाइप, ऊपर एक रहता है और उसका एनोड साइड है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड साइड है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, देन
हम लोग अभी क्या करेंगे उसका थोड़ा माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एक जंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और वो क्यों कंडक्शन करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में कैसे कंडक्ट करता है, राइट। देखो यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन है, दीज पार्ट्स आर होल एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन अभी एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये पी टाइप मटेरियल लिया हूँ, ये एन टाइप मटेरियल, दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अगर मैं मानता हूँ ये होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों है, राइट। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली उसका सब हर कोई मटेरियल चाहता क्या है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एट रखना चाहता है, जो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर उसका है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहना चाहिए, एट रहना चाहिए, ठीक है। तो पी टाइप मटेरियल का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि मिला के, ये पी टाइप मटेरियल रो चाहता है कि ये आउटर मोस्ट थ्री टाइप थ्री ओके ट्राइवेलेंट एटम के साथ ये पी टाइप मटेरियल क्या करता है, बॉन्ड करके वो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करता है। मगर एन टाइप क्या करता है, एन टाइप मटेरियल फाइव मंथ्स फाइव टाइप मतलब पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ बॉन्ड कर सकता है टू मेक इट्स ऑक्टेट, मंथ्स एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहना चाहिए आउटर में। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेपरेट कर दिया, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया ये वाला पार्ट को, राइट। इस साइड को मान लीजिए आपका पी टाइप, इस साइड को मान लीजिए आपका एन टाइप। एन टाइप क्या मटेरियल क्या करता है, मैं बोला पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा, तो एन टाइप का आउटर मोस्ट में कितना था, ये वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, चार इलेक्ट्रॉन पहले से था। मैं क्या बोला, पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड करके उसका स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो पेंटावैलेंट के साथ जब बॉन्ड करेगा तो ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, कितना हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अभी, और एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन बच गया इधर, राइट। मगर अभी पी टाइप का बात आता है, पी टाइप में भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, वन टू थ्री एंड फोर, जो येलो कलर में है, राइट। ये है पी टाइप मटेरियल का। तो अभी क्या करेगा, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को और सॉरी इसका ऊपर मैं क्या बोला, उसको मैं बॉन्ड करूंगा, स्ट्रेंथन करूंगा पी टाइप मटेरियल को। कैसे करूंगा स्ट्रेंथन, तो उसके लिए ट्राइवेलेंट एटम यूज कर रहा हूं, तो ट्राइवेलेंट अगर मैं यूज कर रहा हूं, वन ये है टू ये है थ्री, तो यहां पर देखिए और एक इलेक्ट्रॉन स्पेस बच, राइट। तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं हम लोग होल, राइट, जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मान ले एक दो तीन चार पांच छह सात, सात हो गया, क्यों चार था पहले, तीन ऐड कर दिए तो सात हो गया, तो एक रेस्ट बचा हुआ है, क्योंकि जब तक एट नहीं रहेगा तो आपका वो स्टेबिलिटी उसका नहीं इंक्रीज होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पी टाइप जब हम लोग डायोड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दोनों को मिलाते हैं, पी टाइप को मिलाते हैं, पी टाइप ये रहा आपका पार्ट, एन टाइप को पी टाइप से मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो इसका साइड में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक केस है, इसका जैसा और भी इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करेगा, डोनेट करने के लिए कैपेबल है, इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी और एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो ये क्या करता है, अगर मेरा और एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है इधर, तो ये क्या करेगा, रोज डोनेट करना चाहेगा, मगर मैं कुछ सप्लाई नहीं दिया हूं अभी तक, और जो आउटर मोस्ट में है वो क्या करना चाहेगा, वो सप्लाई करना चाहेगा टुवर्ड्स पी टाइप। तो अगर मेरा वो टुवर्ड्स पी टाइप को सप्लाई करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा, यहां पर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, वो अभी जाता है कहाँ, ये वाला पार्ट को जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट को जाएगा, ये वाला पार्ट को। तो मैं अभी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक नहीं, एट
तो 8 हुआ, तो ये वाला पार्ट टोटली क्या होता है आपका, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये वाला पार्ट भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ से चला गया। ये होता है पीएन जंक्शन का काम, जंक्शन कैसे बनता है और उसका पीएन मटेरियल का कैसा जंक्शन बनता है, ठीक है। तो अभी अगर ये चला आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं मान लीजिए इधर अभी ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको मैं क्या किया, इधर ले आया, ये वाला सब कुछ इधर चलाया, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये होल क्या करता है, होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है, होल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो फ्लो करने में कैपेबल है, इधर चलाया। तो अगर इधर हो गया तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला आता है, ये वाला पार्ट इधर, तो यहाँ पर एक लेयर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट खाली हो गया ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया है तो ये वाला पार्ट खाली हो गया। तो अभी ये वाला पार्ट इधर आ गया तो यहाँ पर एक लेयर बनाया, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ठीक है। और सबको ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जो पास में रहेगा पी के साथ वो क्या करता है, इधर से इधर चला आता है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। अगर ये आता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर अगर होल क्रिएट होता है तो ये बिकम्स पॉजिटिव साइड हो गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होके रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका बना पोटेंशियल बैरियर, ये है नेगेटिव साइड एक बना, ये पॉजिटिव साइड एक बना, मगर ये जो लेयर फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और इस जो नेगेटिव एंड पोटेंशियल के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर है, और लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। सबका क्लियर है इतना सारा पार्ट, रेस्पॉन्ड कीजिए सर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर चला आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर चला आया, तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हुआ कि नहीं हुआ। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, ये वाला क्रिएट हुआ क्या, होल क्रिएट हुआ। तो अगर होल क्रिएट होता है, अभी इलेक्ट्रॉन मेरा इस साइड से एन साइड से पी साइड आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, नेगेटिव, एंड मतलब पॉजिटिव का क्या होता है, मतलब पॉजिटिव साइड वोल्टेज, ओके। तो इसके बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, राइट। अभी डिप्लीशन लेयर क्या हुआ, इसके आने से यहां पर जो लेयर फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर पॉजिटिव रहा, तो ये एक लेयर फॉर्मेशन होगा ना, एक बाउंड्री के जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्लियर हुआ? ओके यस सर। ठीक, बाकी और किसी का डाउट है इसमें? है या नहीं? नो सर। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, यहां पर देखो मैं पहले से बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला आया, जनरल कुछ भी वोल्टेज में नहीं दिया था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पास जो इलेक्ट्रॉन था वो होल क्या करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक लेयर फॉर्मेशन होता है। इसके बिटवीन जो ये वाला बिटवीन में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, ठीक। और ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है, एक ये है आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला लाइन दोनों को, ये हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अभी हम लोग क्या करेंगे, बायसिंग पढ़ेंगे, बायसिंग क्या होता है। तो अगर बायसिंग पढ़ते हैं तो एक काम करते हैं, बायसिंग में पढ़ेंगे। बायसिंग होने से क्या होगा, हम लोग ये रहा आपका पॉजिटिव साइड एनोड साइड, ये रहा आपका कैथोड साइड नेगेटिव साइड। हम लोग क्या करेंगे, ये आपका पीएन जंक्शन रहा, राइट। अभी मेरा क्या है, ये है आपका एक बैटरी के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया पीएन जंक्शन डायोड को, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव साइड, ये आपका बन गया नेगेटिव साइड। अभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा अभी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा,
बिकॉज ये सेम चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके साइड ये पुश करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे रहेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सब जगह, ठीक है, जब मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। और होल का काम क्या है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये पुश कर रहा है, और होल का काम भी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करना चाहेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर धीरे 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 जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करते जाऊंगा, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ वोल्टेज को, तो वो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी धीरे 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 फास्टर होता जाएगा। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक फास्टर होता जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो अभी क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से पास कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, ऑपोजिट होता है ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हिसाब से करंट भी ऑपोजिट फ्लो करता है, तो जाके फॉरवर्ड बायस होगा। हाँ, दूसरा बात है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करते जाएगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है उसका लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, ये लेंथ पहले से ज्यादा होगा पीएन जंक्शन में, तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, ये पूरा कंटिन्यूअसली फ्लो करता जाएगा इधर से, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज जब मैं बढ़ा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो पुश करने से वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिट वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। आफ्टर कुछ ही टाइम के बाद, मान लीजिए यहाँ पर है आपका 15 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर मेरा 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, 1 वोल्ट दूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे इधर जाएगा, दूसरा वोल्ट दूंगा तो ये वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो कंटिन्यूअसली जब तक मैं 15 बढ़ाता हूँ, ये क्या होगा, टोटली इलेक्ट्रॉन सब कुछ पास कर चुका होगा और फ्लो में आ गया होगा, क्योंकि ये एक क्लोज सर्किट पाथ है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा रहेगा क्लोज पूरा टोटली, ठीक है। तो इसके बाद अगर मेरा वोल्टेज भी अप्लाई करता हूं, तो उतना ही तो इलेक्ट्रॉन था, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके बाद अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता भी हूं तो करंट और नहीं बढ़ेगा, करंट उतना ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा थोड़ा कलर यूज करके, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, राइट, ये हो गया आपका वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जो आपने बढ़ा रहा था वो आपको मान लिया एनोड वोल्टेज, एनोड से कैथोड तक जा रहा था तो इसीलिए मैं बोल दिया उसको एनोड और कैथोड वोल्टेज, ठीक है, और आपका करंट क्या हुआ आई ए के। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में मैं बोला कि आपका पहले जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था तभी करंट धीरे 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 बढ़ रहा था, आफ्टर जब मैं 15 वोल्ट हो गया मतलब वोल्टेज लिमिट रीच कर गया, और इलेक्ट्रॉन फ्लो का, इलेक्ट्रॉन का जितना था इलेक्ट्रॉन वो टोटली फ्लो हो गया इससे, तभी क्या करेगा, जितना भी वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे करंट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ रहेगा आपका ऐसा, पहले से उसको मतलब करंट बहुत मिनिमम रहेगा, ये करंट धीरे 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 इंक्रीज करेगा, और आफ्टर जब मैं ज्यादा वोल्टेज और पीएन जंक्शन का जितना वोल्टेज रहता है उसका दे दिया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली फ्लो करना शुरू करेगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका वोल्टेज सिलिकॉन के लिए बहुत मिनिमम रहता है, कितना रहता है मिनिमम, हम लोग बोलते हैं वो है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पर सिलिकॉन, अगर हम लोग जर्मानियम मटेरियल लेंगे वो बन जाएगा 0.3 वोल्ट जर्मानियम। ये आपका रहा फॉरवर्ड वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, रिवर्स वोल्टेज में आता हूँ, रिवर्स बायसिंग में आता हूँ, तो बायसिंग में क्या करता है, ऑलरेडी हमारा यहाँ पर डिप्लीशन लेयर था, ये आपका था नेगेटिव साइड, ये आपका था पॉजिटिव साइड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर चुका था पहले में, तभी मैं क्या किया, वोल्टेज का स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर दिया, बैटरी का पोजिशन को, यहाँ साइड में मैं दे दिया नेगेटिव, यहाँ पर मैं दे दिया पॉजिटिव, राइट, अगर मैं यहाँ पर मैं नेगेटिव और यहाँ पर मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, तो
अभी क्या करेगा, यहां पर वो रिपेल कर रहा था, मतलब यहां से वो रिपेल कर रहा था, माने उसको पुश कर रहा था नेगेटिव। अभी मगर चेंज जब मैं पॉजिटिव कर लिया, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से इस साइड आ जाएगा और इधर नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पर मैं उसी हिसाब से बढ़ाता हूँ, मान लीजिए आपका यहाँ पर भी 15 वोल्टेज है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है, मैं अभी 1 वोल्ट दिया तो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दूसरा वोल्ट दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, राइट। तो अभी मेरा इलेक्ट्रॉन को अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो लेंथ और डिप्लीशन बैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन चला आया, ये टोटल लाइन का इलेक्ट्रॉन इधर से ये आके अट्रैक्ट हो गया, राइट। ये 15 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला लेंथ पहले से ये था, अभी बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है इस साइड से इस साइड, और जाके यहाँ पर हायर डोप्ड रीजन कितना है, पॉजिटिव है, तो जाके 15 वोल्ट तक सब इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें। तो डिप्लीशन लेयर का लेंथ भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जहां तक वो जाता रहेगा डिप्लीशन का लेयर लेंथ भी बढ़ता जाएगा। तभी क्या होता है, करंट का फ्लो और पॉसिबल, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का लेंथ अगर बढ़ गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत होगा, तो यहाँ पर अगर ड्रॉप बहुत होगा वोल्टेज, तो करंट का फ्लो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। मान लीजिए आपका ये भी सेम केस है, जब मैं वोल्टेज बढ़ाता गया, करंट का वैल्यू बहुत मिनिमम रहता है, क्योंकि करंट का वैल्यू पास नहीं करता है, मतलब करंट का वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होके यहाँ पर ये करता है, एक्सेप्ट हो जा रहा है, यहाँ पर अट्रैक्ट हो जा रहा है, राइट। तो मैं जब तक वोल्टेज बढ़ाता गया, ये 15 वोल्ट में आ गया, अभी 15 वोल्ट नेगेटिव हो गया, तभी मैं अगर करंट वोल्टेज को और बढ़ाऊंगा तो वो करेगा क्या, करंट को पूरा डिक्रीज कर देगा और करंट नहीं रहेगा, वो टोटल पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, वहां से और वो ये नहीं करेगा, शुरुआत नहीं होगा, ठीक है। तो ये है ऑन, ये रहेगा आपका फॉरवर्ड बायसिंग में वो ऑन हो जाता है डायोड, रिवर्स बायसिंग में वो ऑफ हो जाता है, और ये रहता है माइक्रो सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड, और माइक्रो एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, मतलब बहुत ही मिनिमम, और यहाँ पर थोड़ा सा पहले से मिली एम्पियर रहेगा, और अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मिली एम्पियर माइक्रो से ज्यादा बड़ा है, वो करंट थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा, और उसके बाद वो अपने हिसाब से जितना आपका लोड होगा उसी हिसाब से वो वेरी कर जाएगा। डाउट रहा किसी का? ए अनिमेश, आपका क्लियर हुआ? और यस सर। बाकी लोगों का? हाँ सर। ठीक है, अभी बायसिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ उसी के हिसाब से मैं बनाया था, तो ये वाला मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वोल्टेज और करंट का गैप मैंने, मतलब पहले से आपका, पहले से ये रहेगा आपका सेंटर, वो थोड़ा बढ़ते 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 जाएगा, तो अभी वो क्या पूरा फुल्ली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका करंट का मतलब, देखो यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता भी हूँ, करंट बहुत मिनिमल होता है, बहुत और नहीं बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा। तो इसका रेटिंग मिली एम्पियर रेंज से है, और इसका भी ये है, पहले से थोड़ा 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 बढ़ेगा, फिर ये के बाद सर्टन वोल्टेज के बाद वो पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये आपका माइक्रो एम्पियर रीजन है, और उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। और क्या होता है, इसको बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ये जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है, ये वाला पॉइंट को आप लोग बोलते हैं नीव वोल्टेज, और ये वाला वोल्ट को आप बोल सकते हैं जीनर वोल्टेज, नाम याद रखना। रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज होता है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, नीव वोल्टेज होता है। इसका क्लियर ग्राफ इधर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या किया, करंट को बढ़ाता, मतलब वोल्टेज को बढ़ाता गया, तो करंट बहुत मिनिमम बढ़ा, और जहां से वो ड्रॉप होता है वो है 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, और उसके बाद कंटिन्यूअसली बहुत नहीं बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर जाके करंट बढ़ जाता है जितना तक बढ़ सकता, उसके बाद भी और नहीं बढ़ेगा। ये देखिए मिली एम्पियर रीजन है, और यह है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब बहुत ही कम करंट, यहाँ पर भी सडन के लिए थोड़ा सा बढ़ता है करंट,
फिर उसके बाद वो जीरो होता है, उसको बोलते हैं जीरो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, अभी हम लोग उसका एडवांटेजेस में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। एडवांटेजेस में क्या है, इट फंक्शन एज ए रेक्टिफायर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, मींस ये कन्वर्ट करने के लिए, रेक्टिफायर के लिए डायोड बहुत ही एप्लीकेबल है। और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए, इसको हम लोग उसका फ्लो को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये वाला पार्ट हुआ आपका पहला वाला पॉइंट, रेक्टिफायर के लिए यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, वोल्टेज स्पाइक को रिड्यूस करेगा। मोर ओवर इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिकॉज इट इज ए स्विचिंग डिवाइस। तो ये स्विचिंग डिवाइस अगर रहता है तो ये क्या करेगा, स्विचिंग डिवाइस ऑलवेज अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सर्किट को टर्न डाउन टर्न ऑफ करेगा। वो आपके ऊपर कंट्रोल होगा, और आप उसको कंट्रोल करेंगे फ्लो को। तो इट इज ए फास्ट इन ऑपरेशन एंड डजंट रिक्वायर एनी वार्म अप टाइम, बिकॉज मीन्स डिले टाइम इसमें नहीं होगा। डिले टाइम क्या, डिले टाइम होता है, मगर आप अगर चाहते हैं स्विच ऑन किए तो सर्किट ऑन रहा, स्विच ऑफ किए तो सर्किट ऑफ रहा। अगर डिले टाइम में देता हूं, इसमें डिले टाइम किसमें दे सकता हूँ, डिले टाइम आप एससीआर में दे सकते, जहां पर गेट होगा वहां पर आप लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को थोड़ा डिले करके अप्लाई करके आपके हिसाब से वो सर्किट को रेगुलेट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली आप स्विच ऑन किए तो ये चला, तो ये है फास्टर ऑपरेशन ये देता है, एंड चीप है, बहुत ही लेसर प्राइस में वो मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग घर में भी यूज कर सकते हैं इसको। डज नॉट गारंटी एनी करेंट व्हेन वोल्टेज इज नॉट अप्लाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो करंट ही नहीं रहता है उसमें, तो आपका करंट लगने का चांसेस डायोड के अक्रॉस बहुत ही कम है। वोल्टेज अगर नहीं रहता है तो ये स्टोर नहीं कर सकता है चार्ज, कुछ भी नहीं कर सकता है, मगर एससीएस क्या क्या करता है, चार्ज स्टोर करके वो आपको झटका दे सकता है, मगर ये वाला नहीं देता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। इट ऑपरेट्स लो वोल्टेज एंड हेंस इट कंज्यूम्स लेसर पावर, बिकॉज ये लो वोल्टेज के एप्लीकेशन के लिए जरूरत है, तो ये क्या करेगा, लेसर पावर में यूज करते हैं, स्मॉलर साइज है, लाइट वेट है, लॉन्ग लाइफ। तो डिसएडवांटेज, ये मेरिट तो बहुत अच्छा रहा, मतलब एडवांटेजेस तो बहुत अच्छा रहा, आप लोग चीप है, वोल्टेज नहीं स्टोर करेगा तो आप लोगों को शक भी नहीं लगेगा, स्मॉलर है, वेट भी लेस है, लॉन्ग लाइफ है, तो ये आपका एडवांटेजेस रहा। तो एडवांटेजेस के साथ साथ आप लोग को डिसएडवांटेजेस भी मिलता है इस डायोड में। वो क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड कैन नॉट विथस्टैंड वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज दूंगा उसमें अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, अगर मैं रिवर्स वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा देता हूँ तो वो क्या होगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा, मतलब डायोड का फेल्योर हो जाएगा यहाँ पर। अगर ज्यादा से मैं वोल्टेज दूंगा तो डायोड फेल्योर होता है एंड पुअर रिस्पॉन्स देता है, ऑफर्स पुअर रिस्पॉन्स, इट हैज रिवर्स सैचुरेशन करेंट, ओके, नॉइज लेवल इज हाई, और ऑपरेशन के लिए साउंड होता है, स्विच ऑपरेशन में साउंड होता है, ओके, दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, ओके। देन हम लोग जाएंगे, आज आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे एससीआर का, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन कर लूंगा, तो आप लोग उसका थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं उसका एससीआर का थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ तो आप लोग को वहाँ पर डेमो का जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट मैं सर को बोलूंगा कि आप लोग को एक्सपेरिमेंट कराएंगे, राइट। डायोड का पार्ट पूरा क्लियर हुआ सबका, यस सर। और डायोड में कुछ भी डाउट नहीं, क्योंकि मैं उस चीज से अगर डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल एंड फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्वेश्चन में डालूंगा आपको आएगा, तो आईबी कैरेक्टरिस्टिक जो मैं अभी समझा है उसको सिर्फ रिटन में आप लोग के लिखना है, आएगा तो, यस सर। ओके, डायग्राम, डायग्राम भी आप लोग को बनाना होगा, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाना होगा। मैं लैब के बारे में नहीं बोल रहा, एग्जाम के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा नीट एंड क्लीन बना के उसको एक्सप्लेन ठीक से करना, देखना पूरा ठीक रहेगा, मार्क भी अच्छा मिलेगा उसमें, ठीक है।
पहला, अभी पहले चैप्टर के बाद, डायोड के बाद हम लोग क्या करते हैं, एससीआर को जाते हैं। तो एससीआर में क्या होता है, वो एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये भी एक स्विच के हिसाब से काम करता है, मगर उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है आज कंपेयर टू योर डायोड। डायोड में हम लोग क्या करते हैं, डायोड में आप लोग यहाँ पर, मैं उसको थोड़ा ये कर देता हूँ, स्लाइड विजिबल हो जा रहे थे। ओके, तो डायोड में क्या करते हैं, हम लोग ये वाला दो वाला पार्ट को लेते हैं, मतलब ये वाला पार्ट पी पार्ट, ये वन ये टू, ये दो पार्ट को लेकर डायोड बनता है। मगर इसमें क्या होता है, और एक पीएन जंक्शन हम लोग लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटली फोर लेयर डिवाइसेस, फोर मतलब पीएन। ठीक है, तो अगर मैं फोर लेयर को मैं बनाता हूँ, जंक्शन बनाता हूँ, तो कितना जंक्शन बनता है पहले देख लेना। तो ये है आपका जंक्शन नंबर वन, बिकॉज पी एंड एन से एक जंक्शन बना, तो अभी एन एंड पी से दूसरा जंक्शन बना, और पी एंड एन से फिर तीसरा जंक्शन बना। तो ये तीनों जंक्शन को करंट पास करने से ही, आपका एनोड से अगर करंट पास मतलब करंट आता है, और ये तीनों लेयर को अगर, और तीनों जंक्शन को अगर करंट पास करता है, देन ओनली योर एससीआर इज ऑन। एससीआर ऑन कैसे रहेगा, अगर फोर सॉरी थ्री जंक्शन इज एक्टिवेटेड और शॉर्ट सर्किटेड, देन करंट अगर पास करेगा तो एसीआर हमारा ऑन रहता है। तभी क्या होता है, ये तीनों जंक्शन में जेड टू और जेड थ्री के बीच में मैं क्या करता हूँ, एक गेट का लगाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा ही है, तो एक है एनोड और एक है कैथोड, जैसे कि डायोड में था, मगर यहाँ पर एक गेट डालता हूँ। क्यों गेट इसीलिए डालता हूँ, क्योंकि हम लोग उसका फ्लो को रेगुलेट कर सकें, राइट। तो ये कंट्रोल डिवाइस है, ये अनकंट्रोल नहीं है, इसको हम लोग गेट के हिसाब से इसको पल्सेस भी दे सकते हैं। पल्सेस मतलब ये टाइम, ये मान लीजिए डायोड जीरो टाइम में स्टार्ट हो जा रहा था, मैं अभी मेरा सर्किट को जीरो टाइम में स्टार्ट नहीं करके उसको मेरा टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो बढ़ाऊंगा मैं, मान लीजिए मैं 30 डिग्री इंटरवल में उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा डिले कर दूंगा सर्किट को, वो ओनली पॉसिबल इन एससीआर। ओके, तो ये जैसा लिखा यहाँ, एससीआर है थ्री टर्मिनल डिवाइस, एकेजी एकेआर पावर टर्मिनल्स एंड गेट इज द कंट्रोलिंग डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग द, आज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस। एससीआर है हाफ कंट्रोल डिवाइस, मींस यहाँ पर भी रिवर्स बायस इज नॉट पॉसिबल, ये इसलिए बोलते हैं हाफ कंट्रोल डिवाइस। ओके, एंड एससीआर इज यूनिडायरेक्शनल स्विच। हाफ कंट्रोल मींस, हाफ कंट्रोल मींस मान लीजिए फुल्ली साइकिल है, ये आपका है जीरो से पाए, ये आपका टू पाए, तो ये अगर मान लीजिए इसमें कंडक्ट करता है पॉजिटिव, जीरो से पाए कंडक्ट करता है, तो नेगेटिव में वो ऑफ रह जाएगा, तो इसीलिए आप इसको बोलते हैं हाफ कंट्रोल डिवाइस। ओके, एंड वोल्टेज रेटिंग क्या रहता है, वोल्टेज रेटिंग 10 किलो वोल्ट मैक्सिमम रहेगा, और आरएमएस करंट रेटिंग उसका 3000 एम्पियर रहेगा। अभी मैं आता हूँ डोपिंग के हिसाब से। डोपिंग मतलब क्या है, तो पी टाइप मटेरियल है, उसमें पॉजिटिव का, क्योंकि पी टाइप में क्या होता है, होल्स का कैरियर है मेजोरिटी, और माइनॉरिटी रहेगा नेगेटिव, तो ये कितना है डोपिंग है, मतलब कितना उसका कंसंट्रेशन है, ये रहता है मॉडरेट, और एन रहता है लाइटली डोप। लाइटली डोप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिनिमम रहता है, और मॉडरेट में क्या है, पॉजिटिव होल्स रहता है, और ये है थिन में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट में और एंडिंग वाला पार्ट में डोपिंग इज वेरी हाई। ठीक है, और बीच वाला पार्ट में ये बार नेगेटिव का वो लाइटली डोप्ड होता है, क्योंकि करंट इजीली पास करेगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये भी हाई रहता है इसीलिए, क्योंकि ये गेट के टर्मिनल से कंट्रोल होता है, तो ये वाला पार्ट डोपिंग के हिसाब से हुआ। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ स्टार्टिंग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में। तो मैं क्या बोला, यह आपका रहा एनोड, यह आपका रहा कैथोड, इसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलते हैं VA, डायोड के क्रॉस और एससीआर के क्रॉस। मैं क्या कह रहा हूँ, गेट को कंट्रोल करूंगा उसी हिसाब से, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब एससीआर को कैसे ऑन करवा जाए, राइट। तो अभी मान लीजिए
मैं एससीआर को पहले कंडीशन में आता हूँ, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ RBM, ठीक है। अगर मैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आता हूं तो डेफिनेटली मेरा वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड एनोड से कनेक्ट कर दूंगा सेम, और कैथोड से क्या करूंगा, पॉजिटिव एटम कनेक्ट कर दूंगा, राइट। तो ये रहा हमारा रिवर्स स्टेट, ऑलवेज वोल्टेज का सोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं इधर। तो अगर मैं वोल्टेज का सोर्स चेंज कर रहा हूं तो अगर नेगेटिव देता हूं तो यहां पर क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहेगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये इसका अपोजिट रहेगा इधर, ये रहेगा क्या, पॉजिटिव। लेयर का एक्रॉस ऐसा ही रहता है, नेगेटिव देन ये रहेगा पॉजिटिव, देन फिर ये रहेगा नेगेटिव, देन ये फिर रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, इसलिए लेयर का फॉर्मेशन ऐसा बनता है। तो करंट हमारा कैसे फ्लो करता है, डायोड में हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, हाँ कि नहीं, करता है, ऑलवेज एनोड से और कैथोड से पॉजिटिव होगा। तो अभी जाके यह मान लीजिए आपका नेगेटिव है, तो यह मान लीजिए आपका पॉजिटिव है, क्योंकि मैं नेगेटिव वोल्टेज दिया, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूँ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। तो रिवर्स कंडीशन में ये अगर नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन सर्किटेड, यहाँ पर हो जाएगा क्या सेम, यहाँ पर अगर मेरा, मगर ये क्या होता है, एन साइड है, एन से पी होगा तो वो रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज एन में क्या होता है, नेगेटिवली हाईली डोप्ड होता है, तो ये रहेगा पॉजिटिव। और अभी मैं क्या करता हूँ, फिर पी में क्या रहता है, पी में मेजोरिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एन में नेगेटिव होता है, तो ये रहेगा ओपन सर्किटेड। क्लियर वाला पार्ट है कि नहीं, क्लियर हुआ सबका ये वाला पार्ट। तो करंट के, तो करंट क्या रहेगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, J1 J3 रहेगा आपका ओपन सर्किटेड, एंड J2 रहेगा आपका शॉर्ट सर्किटेड, राइट। तो अगर ये रहता है ओपन सर्किटेड पहले से, तो करंट ये शॉर्ट सर्किट होने से भी करंट पास नहीं करेगा। तो ये रहा आपका पहला कंडीशन में, SCR इज इन ऑफ कंडीशन। देन अभी मैं क्या करता हूँ, J1 J2 J3 में जाता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव, फिर रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, फिर रहेगा नेगेटिव, ठीक है, फिर रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, मेरा जब पी साइड में ज्यादा रहता है पॉजिटिव, अगर होल्स रहता है तो करंट ऐसे ऐसा पास करेगा। एन साइड में मैं क्या बोला, ज्यादा रह रहा है, नेगेटिव रह रहा है लेयर, तो अगर नेगेटिव रहता है ये पॉजिटिव रहता है तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो को रोक देगा। तो इसका मतलब यह है, J1 और J2 क्या करता है आपका, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, और J3 आपका क्या हो जाता है, सॉरी J1 और J3 शॉर्ट सर्किटेड, J2 हो जाता है ओपन सर्किटेड। तो मान ये हुआ आपका शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया जा रहा है, मगर अगर ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा तो करंट इसके बीच में तो नहीं जाएगा ना। तो ये आपका रहा, इसी इसी कंडीशन में भी वो क्या करता है, SCR को ऑफ कर देता है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वोल्टेज डाल रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता गया यहाँ पर गेट के टर्मिनल एक्रॉस में, तो गेट के टर्मिनल एक्रॉस में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव था, यहाँ पर क्या था, जैसे कि ये आपका मान लीजिए पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, मगर पॉजिटिव यहाँ पर माइनर डिचार्ज कैरियर है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट से वोल्टेज देके ये वाला पार्ट को, ये जो लेयर है उसका पॉजिटिव वाला पार्ट को बढ़ाऊंगा, मतलब पॉजिटिव को मेजोरिटी चार्ज कैरियर करूंगा। तो अगर पॉजिटिव मेजोरिटी हुआ तो करंट इजीली पास कर जाएगा इसके साइड, इसमें ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, तभी जाके मेरा वोल्टेज मतलब SCR ऑन रहेगा, राइट। तो ये वाला पार्ट हुआ,
तो अभी देखते हैं उसका सिस्टम कैसे रहता है, सर्किट ग्राफ कैसे बनता है इसका। मान लीजिए ये आपका रहा J1, ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, ये आपका ओपन सर्किटेड, ये आपका ओपन सर्किटेड, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड रहा, नेगेटिव वोल्टेज फ्लो करेगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करेगा, पहले जो करंट था ये अट्रैक्ट करते जाएगा, तो करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। फिर आफ्टर पूरा ये अगर 15 वोल्ट है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, करंट पूरा ड्रॉप हो जाएगा, ये माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा। इसको भी हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ये वाला करंट को बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ओके, एंड ये वाला गैप, ये है रिवर्स रीजियन, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजियन, ये वाला पार्ट टोटली बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजियन। और यहाँ पर सर्किट क्या होता है, SCRH ऑफ हो जाता है। एनी डाउट फॉर दिस सेक्शन है कुछ? कोई रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? यस सर, समझ आया सर। आया? तभी मैं बुझाता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, अभी मैं आया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। मैं सेम चीज, सेम चीज यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपका हुआ J1। J1 क्या करता है, J1 यहाँ पर रहता है शॉर्ट सर्किटेड, ये रहा ओपन सर्किटेड, देन ये रहा शॉर्ट सर्किटेड, गेट का वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। तो अभी ये शॉर्ट रहने से भी पहले क्या होगा, पहले पूरा करंट वोल्टेज में बढ़ाऊंगा, धीरे 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 बढ़ाऊंगा, तो ये क्या करेगा, करंट धीरे 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 इंक्रीज करेगा, मगर करंट पास ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जाके पूरा यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर गया, मगर जब मैं वोल्टेज इसके अक्रॉस में फिर अप्लाई करूंगा, तो और क्या करेगा, वो करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। तो यह हमारा इसी कंडीशन में इतना तक आएगा, तो जरूर 0 से P तक आएगा, मगर वो सर्किट SCR को क्या करेगा, ऑफ कर लेगा, ठीक है। अगर मेरा SCR ऑफ हो जाता है इधर, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग इसीलिए गए वोल्टेज को, यहां तक तो हम लोग का आ गया था, ये सॉरी ये SCR को ऑन करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका वोल्टेज यहाँ तक जा चुका था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गेट का वोल्टेज बढ़ाऊ, J2 जंक्शन में वो क्या करेगा, उसको शॉर्ट करने जाएगा J2 जंक्शन को। तो ये ओपन था ना, इसको शॉर्ट करेगा पॉजिटिव वोल्टेज दे के, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इंसर्ट करेगा इधर, तो यहाँ पर मेजोरिटी बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा माइनॉरिटी, तो पॉजिटिव मेजोरिटी से माइनॉरिटी करंट इजिली फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं वोल्टेज को गेट वोल्टेज धीरे धीरे अप्लाई किया, तो अगर मेरा गेट वोल्ट यहाँ था मैक्सिमम वोल्टेज, ओके, यहाँ से मैं गया गेट वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, बढ़ाया मतलब ये एनोड वोल्टेज का प्रेशर थोड़ा कम घट गया, क्योंकि ये वाला वोल्टेज यहाँ पर बिल्टअप करने के लिए काम आया, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा घट गया। फिर मैं क्या किया, फिर और बढ़ाया, तो ये क्या करता है, ऐसा जाके फिर करंट बढ़ जाता है इससे। तो अगर मेरा मान लीजिए ये आपका IG1 है, यहाँ पर VG1 है, VG2 है, यहाँ पर VG3 है, मतलब गेट का वोल्टेज क्या हो रहा है, VG3 ग्रेटर देन VG2 ग्रेटर देन VG1, ये वोल्टेज में अगर बढ़ाता हूँ इसी हिसाब से, तो ये क्या होता है, रिक्वायर करेगा एनोड जो वोल्टेज होता है VA के, वो लेसर रिक्वायर करते जाएगा आफ्टर सर्टन इंटरवल, जब ही यहाँ पर पूरा पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा, तो करंट का इंक्रीज हो जाएगा, ग्राफिकल व्यू ये रहता है, ठीक है। यहाँ मैं क्या बोला, ये वाला वोल्टेज को मैं बोला VG1 VG2 एंड VG3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ाते जा रहा हूँ। तो VG1 को अगर मैं बढ़ाऊंगा, तो VG1 में आया वोल्टेज, तो ये वाला वोल्टेज का प्रेशर भी घट जाएगा थोड़ा, तभी VG2 में और थोड़ा घट जाएगा, VG3 में और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली वो आ जाएगा, बहुत फास्टर ऑपरेशन देता है अगर मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। तो होल्डिंग करंट यहाँ पर क्या है, होल्डिंग करंट ऑफ SCR और थायरिस्टर इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट बिलो व्हिच एनोड करंट मस्ट फॉल टू कम इन ऑफ स्टेट। दैट मींस
एनोड करंट क्या होगा, इसके नीचे ये मान लीजिए आपका होल्डिंग करंट रहा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इसके नीचे अगर एक भी करंट रहा तो वो क्या करेगा, एससीआर ऑफ हो जाएगा। इससे ही ज्यादा होने से होल्डिंग करंट से वो एससीआर ऑन में रहता है। लैचिंग करंट में क्या होता है, द मिनिमम करंट व्हिच एनोड करंट मस्ट अटेंड टू कंटिन्यू टू रिमेन इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ओके, मींस इसके एबव जितना भी करंट, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द लैचिंग करंट। ओके, इसके एबव जो भी रहेगा करंट उसको बोलते हैं हम लोग गेट कर, मतलब यहाँ पर अगर ये रहता है लैचिंग करंट इतना ही रहना चाहिए, मिनिमम करंट रहना चाहिए। अगर मैं गेट को भी रिमूव कर देता हूँ उस जगह से तो क्या करेगा, उसी करंट से, उसी करंट हम लोग अगर सप्लाई देते हैं तो उसी करंट रहेगा उसका एससीआर का करंट डायरेक्ट। द मिनिमम करंट व्हिच एनोड करंट मस्ट अटेंड टू कंटिन्यू टू रिमेन इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, मतलब ये वाला करंट है तो ये वाला करंट यूज होता है एससीआर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ऑन रखने के लिए, राइट। और अगर मैं गेट को उसी टाइम में निकाल भी दूंगा तो कुछ अफेक्ट नहीं करता एससीआर को। सबका क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। तो ये रहा आपका एससीआर का सर्किट, इसी को आज आप लैब में करेंगे, राइट। आपका ये वाला पार्ट में और अगर कुछ डाउट रहा तो आप बोल सकते हैं, और लैब में इसी का ही आप लोग मतलब ये करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अगर किसी का कुछ बोलना है इसके बारे में, क्योंकि मैं डायरेक्ट सर को बोल दूंगा कि मैं ऑलरेडी डेमो क्लास ले गया हूँ, तो सर डायरेक्टली आपका क्लास ले जाएंगे, मतलब क्लास मतलब ये लेंगे लैब क्लास। और आप लोग का सबका, मैं भी रहूंगा उधर, अगर कुछ डाउट होता है आप पूछ लेना डायरेक्ट मेरे से, ठीक है। यस सर। हाँ, दूसरा दूसरा एक बात है, आप लोग लैब का रिकॉर्ड बना लिए टोटल जो मैं बोला था, रेडी कर ली? यस सर। यस सर। सब यस सर। सबका सबका रीडिंग रिकॉर्ड लिखा है है? सर। हाँ, रीडिंग तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखोगे ना? हाँ सर। हाँ, तो वहां पर हम लोग अगर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप वहां से देखना, उसको मैं रिकॉर्ड भी बना दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग भी बना दूंगा, वो लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डिंग भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को सेंड कर दूंगा, मगर आप उसी लैब में रिकॉर्ड में वो रीडिंग लिख के, ठीक है, उसको स्कैन करके ग्रुप में अपलोड करना होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो उसी हिसाब से हम लोग, मेरे मैं रिकॉर्ड भी कलेक्ट करके रख लूंगा, तो आपका मार्क भी आज मैं इंसर्ट कर दूंगा, मैं मेरे रिकॉर्ड में वहां पर, मतलब ये मैं, ये मुझे भी मार्क रखना पड़ेगा ना, तो जो रेगुलरली पूरा फुल्ली अटेंटिव रहेगा उसी हिसाब से मैं भी उसके ऊपर, मतलब उसी हिसाब से उसका सब डाउट और अटेंडेंस का जो मार्क है मैं भी उसको दे सकता हूँ, राइट। सर दूसरे क्लास का लिंक आ गया है सर। दूसरे क्लास का कौन सा क्लास है अभी? सर ईएम सर। मशीन का है? हाँ ठीक है, आप लोग क्लास कीजिए, अभी क्लास कीजिए, मैं उसको स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। हेलो सर। थैंक हाँ बोल। यू सर। थैंक यू सर। वो मेरा वो सर टेलीफोन पे क्या सर, यहाँ पर वो सर प्रिंटिंग वाला सर वो नहीं हो पा रहा है सर। प्रिंटिंग वाला नहीं हो पा रहा है, किसका किसका प्रॉब्लम है? सर मेरा भी प्रॉब्लम है, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो पूरा सब बंद है सर। यहाँ पे सर लॉकडाउन लेकर महंगा भी कर तो जिसका मैं बोला था, जिसका सिलिकॉन का पेपर नहीं रहेगा तो वो व्हाइट पेज में लिख के रेडी करके रखना, ठीक है। सर व्हाइट मैं, पेज में लिख के रखना है। हाँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड मतलब स्कैन कॉपी चाहिए, जिसके पास सिलिकॉन का पेपर होगा तो सिलिकॉन का पेपर में लिख के देना, और जिसके पास नहीं रहता है वो व्हाइट पेपर में लिख के देना, राइट। और कुछ? नो सर। नो सर। ठीक है,
तो लिख के लाने से मेरे पास आज ही रिकॉर्ड सबमिट उसमें कर देना, राइट? ठीक है सर। ओके।